नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवाणी में। आज भिलवाड़ा में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर 2000 रुपए की घूस लेते हुए एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले को लेकर मिली जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया थाने में तैनात एक कांस्टेबल को 2000 की रिश्वत लेने के मामले में भिलवाड़ा एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार एसीबी सीआई दीपिका राठौड़ की टीम ने चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया थाने से कांस्टेबल को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। इसे लेकर देखिए भिलवाड़ा लोकवाणी से पुनीत चपलोत की ये रिपोर्ट। मैडम, बाकी किस तरह की कार्रवाई की गई है चित्तौड़गढ़ थाने में? जी, हमारे परिवादी ने चौकी पे आके एक रिपोर्ट दी थी कि चंदेरिया थाने के कांस्टेबल है नांचाराम, जो उनके खिलाफ जो परिवाद दर्ज है, परिवादी के खिलाफ, उसको शामिल फाइल करने और उसको रफा दफा करने की एवज में वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 4000 रुपये पहले ले भी लिए हैं और अभी भी उसके बाद में भी उनकी डिमांड है 7000 टोटल लेने हैं, जिसमें से 3000 रुपये और देने शेष, जिसमें 16 तारीख को सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान 1000 रिश्वत राशि के और लिए और उसके बाद आज ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया था और जिसके अंदर 2000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है श्री नांचाराम कांस्टेबल। जी, हमारा परिवादी फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं और जब किस्तें जमा नहीं होती है तो उस दौरान ये मोटरसाइकिलों को सीज करने का काम करते हैं, जिसको लेके किसी परिवादी ने रिपोर्ट दी थी कि हमारे परिवादी ने रिपोर्ट इनकी मोटरसाइकिल को उठा लिया है और इसी मामले को रफा दफा करने की एवज में रिपोर्ट दर्ज की गई थी और उसी की कार्रवाई के द्वारा रिश्वत राशि की मांग की। और किसकी? अभी कोई ऐसी कोई जांच में कोई चीज़ नहीं आई है और भविष्य में देखेंगे। स्टे अपडेटेड ऑलवेज विद भिलवाड़ा लोकवाणी न्यूज ऐप। हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताजा खबरें आपके मोबाइल पर, देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम।